सुमंत वर्तमान बात्यार स्थिति नहीं कौन कहते पाणीपाग विज्ञानी एवं लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो सारी लैंडफॉल प्रोसेस आरंभ हो तेज संक्रांति अधिक आलोचना करें सहित अच्छा उमाशंकर दास आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र विशेषज्ञ कारण जेहतु आम भुवनेश्वर चित्र किसी समय देखे विशेष करी यदि आम कह भुवनेश्वर चित्र धीरे धीरे बदलुची और जो भाव में सकाल पाग था बर्तमान ये अपराह्न बेलू को पागर पर प्रतिक्रिया ना सर बर्तमान जानापे चाहिए ये बर्तमान अपडेट कौन रही जो जहाँ रही बर्तमान अम्फान वर्तमान जो रोची अम्फान धीरे धीरे बर्तमान दुर्बल हो पश्चिम आपणकर जो रोची उत्तर बंगोपसागर यार स्थिति रही जोटा पारादीप ठार पूर्व उत्तर पूर्व दिगरे 190 किलोमीटर पाखापाखी दूर रही छड़ा आपर जो दीघा पाखर आपणकर रोची आप रोची जो पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिगरे रोची जोटा कि 65 किलोमीटर अर्थात आम कह पारादीप ठार धीरे धीरे दूरे जाए उत्तर उपकूल जो जिला गुड़िक रोची जोटा बालेश्वर भद्रक एवं मयूरभंज यही जिला गुड़िकर प्रभाव वर्तमान अनुभूत होमें जब देखुल सका समय जोटा जगत सिंहपुर एक प्रकार यार प्रभाव देखा जाता बर्षा पखापाखी 180-190 मिलीमिटर अर्थात 18-19 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होती पवन रेग 106 किलोमीटर सब जोटा हाएस्ट रही 106 किलोमीटर घंटा प्रति यार बेग रेकर्ड कर कह जिला स्तर से जो अच्छी मेट्रोलोजी अफिस रही से संक्रांत में कौन अपडेट रही कारण आप कम्युनिकेट कौन सब कम्युनिकेट होते वर्षा होती कौटी कौटी के प्रभाव पकई आमर जो वर्षा जो अच्छी उपकूलवर्ती जिले में प्राय सब जगार जो थी वार्निंग मुख्यतः भाव भद्रक जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा यही तीनोटी जिले में हेवी रू भेरी हेवी रेनफॉल चांसेस थिला एक्सपेक्ट करा कि उत्तर उपकूलवर्ती जिला गुड़िक मुख्यतः भाव प्रभावित हो जहाँ आम अनुमान करूँ वह से अनुसार आमर अनुमान ठीक वर्तमान जो सागर द्वीप आड़ को 19 घंटा प्रति उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे घंटा प्रति 19 किलोमीटर बेगरे गति करुछि एवं लैंडफॉल प्रोसेस तार जो आउटर बैंड रही जो बाहर क्लाउड रही धीरे धीरे वेस्ट बंगाल मध्य को प्रवेश करुछि तो लैंडफॉल प्रक्रिया जो स्थल भाग छुईबार जो प्रक्रिया आरंभ होता है सेटा बर्तमान आरंभ हो सारी आमर जो अनुमान अच्छे पूर्वानुमान लैंडफॉल प्रक्रिया जो आरंभ होता है पाखापाखि वर्तमान यही साइक्लोन अम्फान तो 4 घंटा पाखापाखि लगे तो 4 घंटा पर्यंत यार प्रभाव उत्तर उपकूल जिला गुड़िक रोज प्रेडिक्शन थी गोटे कथा द्वितीय कथा हूँ जो दिगरे से गति करुच्च घंटा प्रति 19 किलोमीटर बेगरे जब मंथर गति मंथर गति में जीव ता किसी प्रभाव पकेब ना स्पीड गले किसी प्रभाव पड़े वर्तमान जो अच्छी तार स्थिति तार स्पीड ए तार मंथर हबार कौन सूचना कहीं कारण बर्तमान लैंडफॉल प्रोसेस आरंभ हो सारे जितेबाला लैंडफॉल प्रोसेस होता है तार स्पीड साधारण वृद्धि पाई है तार कौन प्रकार मंथर हबार जो समुद्र भितर थाए तार जो बेग आउ तार मंथरता उपरे निश्चित भाव तार जो अच्छी इंटेंसिटी उपरे प्रभाव पड़ता है किंतु लैंडफॉल प्रोसेस स्टार्ट लेनी धीरे धीरे आहरी स्पीड बढ़ धीरे धीरे मतलब दुर्बल हम कारण जलीय बाष्प ताकू मिलिबो नहीं जलीय बाष्प न मिलले धीरे धीरे दुर्बल हम एवं अनुमान करा जाउची गोटे भेरी सीभीयर साइक्लोन है ये लैंडफॉल कौटे पवन रेग रही कह आमर जो गत सका आज जो रेकर्ड होता जगत सिंहपुर 106 किलोमीटर घंटा प्रति 106 किलोमीटर बेगर पवन रेकर्ड होता ता छड़ा बालेश्वर वर्तमान जहाँ आसूँ 94 किलोमीटर पर्यंत आम जो रही पाणीपाग ऑफिस रही 94 किलोमीटर प्रति रेकर्ड होना स्थान आकलन भी था 100-110 एवं गोस्टिंग जोटा कि 125 पाखापाखि से ही रेंज रे ही पवन प्रवाहित होती भुवनेश्वर चित्र एम बदल कि रही पर देखा जेहेतु अम्फान बर्तमान बहुत दूर से तेणु भुवनेश्वर उपर कौन प्रभाव सूचना नहीं धीरे धीरे पाग बदल धीरे धीरे पाग बर्तमान साधारण पागर परिणत हो जब आम कह फनी बेले जो विशेष इंपैक्ट पकईला जो कोणार्क हो चंद्रभागा हो जब कह पुरी में तेनाली से प्रभाव कौन से बालेश्वर एम रारादीप देखा मिले ना आज पर देखा मिले जेहतु यह सीधा सड़क भाव लैंडफॉल होनी फनी जिते बड़े आपंकर पुरी लैंडफॉल कर दक्षिण पटे या सीधा सड़क भाव आमर ओडिशा रे लैंडफॉल करूना तेणु तार प्रभाव आमर रहा जो उपकूलवर्ती जिला किंतु तार सीधा सड़क प्रभाव आम कहीपरि
तेणु यार प्रभाव निश्चित भाव में कम रहा जोटा भी अनुमान करा से ही अनुसार ही यार प्रभाव रही है कितने बर्तमान विपदमुक्त हम पवन रेग के कम के बर्षार परिमाण कम केतार लोक मैंने जो उत्तर उपकूल कथ कहकूल कथ कहते लोक विपदमुक्त भावे जो लैंडफॉल प्रोसेस स्टार्ट हो धीरे धीरे यह ओडिशा ठार दूरे जीव तार प्रभाव धीरे धीरे कम हम जहाँ आम रही जो अनुमान थिला तो धीरे धीरे आपणकर 4 घंटा पर यह दुर्बल हो दुर्बल होगापर यार प्रभाव धीरे धीरे कम हम किसी समय रही आम 4 घंटा लगे लगी बर्तमान यही केस रे 4 घंटा अनुमान कर लगे कि समय देखा जा 2-3 घंटा लगी था आप जो लैंडफॉल प्रोसेस था 2-3 घंटा बेले बेले लगी था कि पर्टिकुलर यही केस अढ़ईटा दिन 2-3 समय आरंभ हो सारी लैंडफॉल प्रोसेस अनुमान कर 6:30-7 भितर लैंडफॉल प्रक्रिया शेष हो तेज मोटामोटी शुणुते कि भाव में रही उमाशंकर दास थे जे आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र जे अच्छा विशेषज्ञ जे स्पष्ट भाव में कहते जे जो भाव में किभली तार गति थिला किभली भाव में ओडिशा उपरे प्रभाव पकाउछि एवं किभली भाव में आम कहिबा कि भुवनेश्वर रे जो चित्र बदली आहुरी मध्ये चित्र बदलिबो कारण से अनुकूल परिवेश बर्तन सृष्टि होइछि भुवनेश्वर पई एवं सेपट जदि कहिबा जगतसिंहपुर कथा हो बालेश्वर कथा हो भद्रक कथा हो एवं जदि ताकु आम देखिया मोटामोटी घटनाक्रम को पाखापाखि संध्या 7-8 पर मध्ये एभली चित्र बदलिबो बिल्कुल धन्यवाद सुमंत सविशेष आलोचना पई।